वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 14, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है और इस कविता के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। याद रखिएगा, नाम आप कैसे याद रखेंगे, गोपाल, लास्ट में प और ल है, इसमें भी गोपाल में प और ल है, तो गोपाल और यहाँ पे पाल लिखा है, तो आप याद रखिएगा पल और यहाँ पे प आकार पा और ल पल पाल लिखा है, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पीपल के जो लेखक हैं वो गोपाल सिंह नेपाली हैं। यहाँ पे भी प और ल, यहाँ पे भी प और ल, और लास्ट में भी कहानी में भी जो है कविता में भी प और ल, इससे आप याद रखिएगा। देखिए, अब यह कहानी दिखाया गया है, यहाँ नीचे लिखे हैं प्रकृति के विविध रूपों से आत्मीयता। प्रकृति का अलग अलग रूप होता है, और याद रखिएगा जो कवि लोग होते हैं वो हर चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, दिमाग में इमेजिन करेंगे और उसे सोचना शुरू कर देंगे कि काश वृक्ष बोलता। कभी लोगों का काम है किसी को भी मतलब बोलने पर मजबूर कर देते हैं, उन लोगों का कविता में ऐसा जान लोग भर देते हैं। यहाँ देखिए, कानक का तरुअर पीपल, कानक मतलब होता है जंगल, तरुअर का मतलब होता है वृक्ष, यानी कि कानक का तरुअर यानी कि जंगल का जो वृक्ष पीपल है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि देखिएगा पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना हो जाता है लेकिन फिर भी वो वैसे ही रहता है। उसके साथ अगर एक पीपल का पेड़ अगर आप लगा रहे हैं तो आप लगा रहे हैं, आपका बच्चा होगा, फिर आपके बच्चा का बच्चा होगा, फिर आपके बच्चा का बच्चा का बच्चा होगा, ठीक है, वो भी उसको देख लेगा, ठीक है, लेकिन पीपल का पेड़ खत्म नहीं होगा, वो वैसे ही पेड़ हमेशा दिखता रहेगा। यानी बहुत उसका उम्र जो होता है बहुत दिन तक होता है, वो अपने सामने बहुत कुछ देख लेता है, अच्छाई देख लेता है, बुराई देख लेता है, उसके सामने अगर नदी बह रहा है वो देख लेता है, हर चीज़ देख लेता है, लेकिन वो वैसे ही खड़ा रहता है। उसी के सौंदर्य के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है, आशावादी है। देखिए, कानक का तरुअर पीपल यानी कि जो जंगल का पेड़ है वो पीपल युग युग से जग में अचल और अटल है, याद रखिएगा, यानी युग युग से कई जमाना से यहाँ पे क्या है वो क्या अचल है और अटल है। अटल है जिसे टाला नहीं जा सकता और अचल वो कहीं चलेगा नहीं, ठीक है, वहीं पे रुकेगा। लोग नहीं कहते हैं कि मेरा अचल संपत्ति है, कहीं चल के नहीं जाएगा, आप ही के पास रहेगा, तो वही बात है। अब देखिए, ऊपर विस्तृत नव नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, यानी कहा जा रहा है कि ऊपर जो होता है आकाश में वो क्या है नव नीला, नव माने होता है आकाश, नीला नीला उसका दिखाई देता है, और नीचे जो पृथ्वी होता है पृथ्वी पर नदी और झील दिखाई देती है और वो हमेशा बहते रहती है और ये सारा कंडीशन पीपल देखता रहता है। देखिए, नदी झील जामुन तमाम इमली और करेल, उसके नीचे पेड़ के नीचे सबको ये दिखाई देता है, ठीक है, ये खत्म भी हो जाएंगे लेकिन पीपल का पेड़ वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए, जल से ऊपर उठता, यहाँ पे देखिए लिखा है जल से ऊपर उठता मृणाल फुनगी पर खिलता कमल लाल, और यहाँ देखिएगा जब कमल का फूल होता है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो कभी देख लीजिएगा कि सबसे पहले वो जल से ऊपर निकलता है और एक छोटा सा उसका पार्ट निकलता है और फिर जिसको फुनगी यहाँ पे हो जाएगा मिडाल फुलगी, और फिर वो फुलगी लाल रंगों में क्या हो जाता है बट जाता है और फिर जाके कमल का फूल तैयार होता है। वही बात, तिर तिर करते क्रीड़ा मराल, और वहाँ पे जो मराल होते हैं, मराल का मतलब होता है हंस, वो चारों तरफ तिर तिर करके क्रीड़ा करते उसका घूर्णन करते हैं। देखिएगा कितना अच्छा लगता है वह मतलब समय मोमेंट जब चारों तरफ से कमल का फूल निकला और वहाँ पे हंस चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो वो कहीं लोग फोटो भी उसका कैप्चर करके रखते हैं खींच करके, ठीक है। अब देखिए, ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरनी झरझर, यानी कि ऊंचे टीले पर से पृथ्वी पर जो झरना गिरता है, यानी वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, जो झरना गिरता है झरझर के हो जाती बूंद बूंद छरकर, यानी कि वो जब नीचे जमीन पे गिरेगा तो वो चारों तरफ से क्या होगा मतलब उड़ेगा, तो एक मोती की तरह दिखाई देता है ना जब पानी गिरता है, ठीक है, तो वही यहाँ पे सीन दिखाया गया है। बोले ना, लेखक ऐसे ऐसे बात कहेंगे जो आपको इमेजिन दिमाग में सोचना पड़ेगा कि पानी गिर रहा है तो कैसे वहां से वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको मतलब वहां से उठता है उछलता है। अब देखिए, निर्झर के पास खड़ा पीपल, ठीक है, निर्झर का मतलब झरना होता है, झरना के पास चुपचाप खड़ा है पीपल, ठीक है, और देखिए ये सुनता रहता है सब कुछ लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं, सुनता रहता कलकल छल छल पल्लव हिलते ढक ढक ढक, पल्लव का मतलब जो पत्ता है वो हिलता रहता है चारों तरफ से, सब कुछ होता रहता है, कलकल छल छल पानी गिरता रहता है, बेचारा पीपल क्या करता है चुपचाप सुनते रहता है, ठीक है। पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, यानी देखिएगा पीपल का पत्ता गोल गोल, गोल गोल का मतलब थोड़ा सा हॉट जैसा होता है, अब हॉट का मतलब बायोलॉजी वाला हॉट नहीं, ये समझिएगा, ठीक है, आजकल यही हॉट चल रहा है, ठीक है, तो पीपल का पत्ता लगभग ऐसे ही हो रहा है।
अब देखिए तो यहाँ पे वही बोला है, ये हिलते रहता है और जब वो आवाज हिलेगा तो एक दूसरे में टच करेगा तो उसमें से कुछ आवाज भी निकलेगी, वही बोल रहा है कि ये कुछ कह रहा है। जब जब आते पंछी तरु पर, जब जब आते पंछी पंछी उड़कर, यानी कि वहाँ पे जब भी तरु का मतलब वही तरुअर बताए हैं, यहाँ पे वृक्ष होता है, वृक्ष पर जब पंछी आएंगे और जब उड़ के जाएंगे तो पता चल जाता है पेड़ का पत्ता एक दूसरे से टकराता है। यहाँ देखिए, जब जब खाता फल चुन चुन कर, जब भी फल चुन चुन के खाओगे, जब हम लोग आम के मौसम में बगीचा में जाते हैं, ठीक है, तो अगर मतलब कौवा अगर आम खा रहा होता है तो हमको पता कैसे चलता है, यानी पत्ता का आवाज़ सुनाई देता है, तब लगता है कि इस पर कोई है। तो वही बात है कि यहाँ से चुन करके खाता है तो भी पत्ता हिलता है तो पता चल जाता है। देखिए, पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी का सितार, बहने लगती शीतल बहार, यानी कि जब हवा बहता है, ठीक है, अलग 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 मौसम में हवा बहता है, उस समय भी देखिएगा पीपल का पेड़ क्या कहता है, उसका बहुत ही अच्छा मतलब उसके पत्ते का साउंड होता है, ठीक है, और बहुत लोग वहाँ पे जा करके और आराम भी करते हैं। इसी के बारे में बताया गया, ये आपको हम बता चुके हैं कि ये क्या करता है, प्रकृति के विभिन्न रूप से आत्मीयता कराता है। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा कहानी है, यह प्रकृति के हर एक सीन के बारे में दिखाया है कि कौन से मौसम में पेड़ कैसा होता है, पीपल के बारे में बताया गया है, पूरे प्रकृति के विभिन्न रूप, अलग अलग रूप प्रकृति में दिखाया गया है। यहाँ देखिए, तब तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते सर सर, तब तब जब जब हवा बहता है तब तब पत्ता हिल करके और क्या करते हैं, अलग अलग गाना गाते हैं। मरमर मंजुल लख लख सुन सुन विह्वल बुलबुल, बुलबुल गाती रहती चह चह, सरिता गाती रहती बह बह, पत्ते हिलते रहते रह रह, ठीक है, थोड़ा सा जो ये कविता है आउटस्टैंडिंग है, रह रह बह बह मतलब सब इसमें दिया है। यहाँ पे बोला जाए सबका आवाज़ के बारे में दिया गया है। अब पूछा जा सकता है कि सरिताएं कैसे गाती है, तो बोल देना बह बह के गाती है, गाती क्या है, वो तो जाती है ना। अब महानुभाव जो है ये बहुत महान आदमी है, ठीक है, इन लोग किसी भी, यहाँ पे कुत्ता मरा पड़ा है मरे हुए को भी फीलिंग डाल देंगे, ये थोड़ा सा लेखक में क्वालिटी होती है, ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए, बुलबुल गाती है रह रह, सरिताएं गाती है बह बह, यानी बुलबुल तो रह रह के गाती है, आवाज़ तो करती है, यही उसके बारे में बताया गया है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी हैं इसमें कोटर, कोटर का मतलब होता है छेद, यानी समझिएगा कि वृक्ष में जो छेद होता है, होल होता है, उसमें अनेक प्रकार के, देखिएगा पेड़ में क्या बोलते हैं, पंछी जा करके और रहते हैं, बहुत सारा पंछी होते हैं, तो उसी को कोटर बोलते हैं, छेद को जो वृक्ष में हुआ है। सब पंछी गिलहरी के घर, यानी जो कोटर होता है वो गिलहरी के भी घर होता है, हम लोग अपने भाषा में बिहार में रूखी कहते हैं, ठीक है। संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, संध्या शाम का समय, अब थोड़ा सा आप अपने यहाँ सोचिए कि शाम का समय कितना सुहावना होता है, देखिए वही बताया गया है कि संध्या को अब दिन जाता है ढल सूरज चलते हैं, मतलब कि जब संध्या का समय होता है तो सूरज ढल जाता है, आसमान कर में समेट किरणें उज्जवल, और जो आसमान होता है वो किरणों को, जो उज्जवल किरण होता है सूरज के, उसको समेट लेता है और उसको अस्त कर लेता है, अपने में समेट लेता है, समेट माने इकट्ठा करके रख लेता है, क्योंकि अब अगले सुबह फिर वो छोड़ेगा। हो जाता है सुनसान लोक चल, लोक चल पड़ते हैं घर को चील। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही सेंटेंस है, हो जाता है सुनसान लोक चल पड़ते हैं और घर को चील। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जब शाम होता है तो जो जहाँ लोग रहते हैं शाम को याद रखिए, सबको ही देखिएगा अपने अपने अब घर को निकलते हैं, ठीक है, उस समय काफ़ी सुनसान माहौल हो जाता है। कोक अंधियाली संध्या को बिलोक, यानी कि और उस समय एकदम कोक अंधियाली, एकदम अंधेरा, काला सा अंधेरा छाने वाला होता है। घर घर में आती नींद उतर, और शाम के समय जब रात होता है तो सभी के घर में नींद देवी आती हैं और सबको सुला देती हैं, ठीक है। अब देखिए, निंद्रा ही में होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, और निंद्रा में ही होता है प्रभात, सोते सोते ही सुबह हो जाता है सुप्रभात, मतलब गुड मॉर्निंग, ठीक है, और ऐसे ही रात कट जाता है सोने में ही। फिर वही बात रे वही बात, और फिर वही बात रे वही बात, फिर अगला सुबह होगा और फिर ये पूरी कहानी का फीलिंग अपने अंदर आएगा और फिर लास्ट में अस्त हो जाएगा, ये इसमें बताया गया है। अब देखिए, इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत,
और इस पृथ्वी का यही है पूरा वन का प्रांत, और ये पृथ्वी समझते हैं आप, बताए तो वसुधा पृथ्वी और दो अलग एकांत, और काफ़ी ये एकांत जगह है, ठीक है, जहाँ पे पीपल क्या कर रहा है खड़ा है, और वहाँ पे सभी ये दृश्य घटना, नदी बह रही है, सरसर फरफर जो भी है उड़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, है खड़े जहाँ पर साल बाँस चौपाए चरते नरम घास, यहाँ देखिएगा समझिएगा कि देखिए, और यहाँ पे उसी समय पेड़ के पास में साल बाँस सब कुछ वहीं पे खड़े हैं, और चौपाए का मतलब होता है चार पैरों वाले जो जानवर होते हैं वो नरम नरम घासों को चरते हैं शाम के समय। बहुत लोग देखिएगा ये दृश्य काफ़ी सुहावना लगता है, शाम के समय गाय सभी जा करके और चारागाह में चरती हैं, और उस समय लोग जा करके खेलते भी हैं शाम के समय, वो बहुत अच्छा मतलब सुहावना मौसम लगता है शाम का मौसम, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले लेयर में देखे हैं जो यहाँ पे पोएम बचा है, तो अब देख रहे हैं कि इस पंक्ति में इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ देखिएगा। अच्छा, आप कभी फील किए हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं धूप से आ रहे हैं, ठीक है, और धूप से आ रहे हैं और कहीं जैसे गए और वहाँ पे चापाकल आपको दिख गया, और चापाकल देखे और वहाँ पे पानी पिए, और वहीं पे एक खूब छायादार घना पीपल का पेड़ दिख गया जहाँ चबूतरा वगैरह पूरा बनाया गया हो, ठीक है, चारों तरफ से, तो बताइए वहाँ थोड़ा सा आप रेस्ट कर पानी पीने के बाद आराम करने को सोचेंगे ना, और जैसे ही आप सोचेंगे तैसे थोड़ा सा आराम करें तब तक नींद भी आ सकती है, वही दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, है खड़े जहाँ पर साल बाँस चौपाए चरने का चरते नरम घास, ये पीछे वाले लाइन में हम पढ़ा दिए थे लेकिन इस लाइन का ये पूरा था, ठीक है, कि देखे होंगे जहाँ पे साल बाँस और चौपाया चरते नरम घास, जहाँ पे लोग क्या करते हैं चार पैर वाले जो भी जानवर होते हैं नरम नरम घास को चरते हैं। निर्झर जो होता है, निर्झर का मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो बता रहे हैं झरना, सरिताएँ के आसपास जहाँ पे सरिताएँ जो नदियाँ हैं वो बह रही है, मतलब वहाँ से नदी पानी ऊपर से झरना पर से गिर रहा है, और गिरने के बाद यहाँ कहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे चार पैर वाले जानवर घास चरते हैं, जहाँ पे बांस वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे ये सब गिर है, तो वहाँ का सीन कितना अच्छा लगेगा। हम लोग दूर दूर चले जाते हैं फोटो लेने के लिए, ठीक है, अपने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को छोड़ देते हैं, और बाहर के लोग आते हैं गाँव में यहाँ के दृश्य का फोटो लेने। यहाँ देखिए, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे रोज भोर, यानी कि रजनी भर यानी रात भर जो होता है जो चकोर होता है रो रो करके, चकोर का मतलब होता है तीतर जैसा एक पक्षी समझ लीजिए, ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पर हम दिखा दे रहे हैं कि तीतर कैसे होता है देख लीजिए, और उसी टाइप का जो होता है वो रो रो के भोर कर देता है, और नाच करते हैं जहाँ मोर, और मोर क्या करते हैं, और भोर होते ही सुबह होते ही मोर क्या करते हैं नाचने लगते हैं। ये कहाँ नाचेंगे, जब हमारे यहाँ होंगे तब ना, ठीक है, और होंगे तो भोर में नाचने लगते हैं। है वहाँ बलरी का बंधन, बंधन क्या, यहाँ बलरी का मतलब समझिएगा लता समझते हैं, जो पेड़ में लिपट के रहता है लता, हम लोग बोलते हैं बिहारी में लतर, ठीक है, लेकिन लता समझिएगा उसको, ठीक है, बलरी का मतलब वो क्या करता है, लगता है पेड़ को पूरा बांधे रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है, और हम लोग देखे होंगे एक और होता है हम लोग सजावट के लिए लगाते हैं, लोग कहते हैं उसको मनी प्लांट, ठीक है, वो भी अच्छा दिखता, समझिए वही चीज़ है, और वह तो क्या होता है आलिंगन, आलिंगन भी चीर आलिंगन, यहाँ समझिएगा आलिंगन का मतलब होता है, ठीक है, किसी को प्यार से पकड़ना, ठीक है, तो ये जो होता है क्या बोलते हैं लता जो होता है, ठीक है, वो पेड़ को क्या करता है लिपट के रहता है, आज के भाषा में उसे हक करना बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए तो वही होता है आलिंगन। बुझती पाथिकों की जहाँ प्यास, यहाँ पे समझिएगा इस पूरे सेंटेंस को, यही हम बात बोले थे। अब बताइए कि पीपल जहाँ रहता है, ठीक है, आपको बताए थे पाथिक मतलब होता है जो रास्ता से आ रहा है, पथ पे आ रहा है और जा रहा है, जिसको राही लोग बोलते हैं, तो उन लोगों का प्यास बुझता है, और प्यास बुझने के बाद से क्या करता है निंद्रा लग जाती अनायास, और वहाँ पे प्यास बुझने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और उन लोगों को नींद लग जाता है, और वही सदा इसका निवास, और जहाँ पे नींद लगता है वहीं पे सदा के लिए इस पेड़ का वहाँ पे क्या होता है निवास रहता है, समझिएगा वहाँ पीपल का ही पेड़ होगा। अधिकतर ऐसा होता है पीपल होता है, वरगद होता है, लेकिन आप पीपल याद रखिएगा क्योंकि हम आपको पीपल लेसन पढ़ा रहे हैं, वरगद लेसन नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये पूरी की पूरी कविताएं जो भी थी आपको समझ में आई होंगी। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।